सोमवार को चुनाव के कारण छुट्टी हो तो फिर मन करता है चलो थोड़े पुराने काम करने चले जाए, इधर जाए उधर जाए, ये करे वो करे। अरे सब लोग वोट तो देने ही वाले हैं, हम नहीं देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं करोगे ना? 21 तारीख को छुट्टी नहीं मनाओगे ना? ये लोकतंत्र का उत्सव है, चुनाव में लोकतंत्र का उत्सव होता है। और जैसे दिवाली पूरा परिवार मनाता है, पूरा गांव लोकतंत्र का उत्सव मनाना चाहिए। मनाओगे? घर घर से गाजे बाजे के साथ वोट डालने के लिए जाओगे? भारत माँ का जय जयकार करते रहोगे? महाराष्ट्र का उज्जवल भविष्य के लिए शपथ लेके चल पड़ोगे? और मेरा एक और भी मोह है, आप लोग पूरा करोगे? महिलाएं तो बोलती नहीं, करोगे? इस बार हम बीड जिले में एक निर्णय कर सकते हैं क्या? इस बार हमारे जिले में पुरुषों से महिलाओं का वोट ज्यादा पड़ेगा, करोगे क्या? सभी बहने हाथ पर करके दिखाए मुझे, करेंगे क्या? पक्का? फिर घर घर जाना पड़ेगा और तय करना है पुरुषों से ज्यादा वोट डाल के दिखाना है। देखिए पिछले लोकसभा के चुनाव में हिंदुस्तान ने नया इतिहास बना दिया, पहले पुरुषों से महिलाएं वोट कम डालती थी, लोकसभा में पुरुष और महिलाओं ने बराबर मतदान किया। इस विधानसभा में महाराष्ट्र में महिलाओं का वोट पुरुष से ज्यादा होना चाहिए। चुनाव तो हम जीतने वाले हैं, आपका आशीर्वाद मिलने वाला है, लेकिन महिलाओं का वोट ज्यादा हो गया तो मुझे आनंद ज्यादा होने वाला है, करेंगे पक्का। हर बूथ पर महायुति का उम्मीदवार रिकॉर्ड वोटों से जीतना चाहिए, और इसलिए आप मेरे साथ एक नारा बुलाए दोहराएंगे आप लोग, मैं जो कहूंगा बोलेंगे, मैं कहूंगा पुनः आनुया, आप बोलेंगे आपने सरकार, बोलेंगे पुनः आनुया, दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए पुनः आनुया, पुनः आनुया, पुनः आनुया। जय महाराष्ट्र, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।